हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात कर रहे हैं बस आज बजाज का पल्सर 125 में। तो आपको दोनों में क्या क्या अपडेटेड मिलने वाले और क्या क्या मतलब लेटेस्ट मिलने वाले हैं, हम आज बात करने वाले इस वीडियो में। तो पहले स्टार्टिंग करेंगे आपको गाड़ी दिखा के। तो गाड़ी आपको दिखा सकते हैं जो पहले पल्सर 125 आता था, तो उसके अकॉर्डिंग अभी मतलब ग्राफिक्स में चेंज देखने के लिए मिल जाता है और मीटर कंसोल आपको फुली अपडेटेड मिलने वाला है। तो कंपेरिजन करने वाले हम दोनों गाड़ी का, तो 125 मतलब देख सकते हैं मीटर कंसोल, तो कंपेरिजन करने वाले हैं आज हम बजाज का गाड़ी पे। मतलब दोनों पल्सर 125 ही है जो स्प्लिट सीट और एक मतलब बोल सकते हैं एक टॉप मॉडल एक बेस मॉडल बोल सकते हैं, दोनों को देख सकते हैं। बाकी हम बाकी दोनों में क्या क्या डिफरेंसेज है वो हम आपको बताने वाले हैं इस वीडियो में। तो वीडियो अगर अच्छी लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें चैनल को। तो स्टार्टिंग करेंगे हम दोनों का फ्रंट से। तो अगर पहले रेट का अगर बात किया जाए तो रेट का कॉम्बिनेशन में आपको वो 1,15 के आसपास मिल जाएगा ऑन रोड और ये आपको 1,10,000-11,000 के अप्रॉक्स आपको मतलब किसी भी शोरूम में आपको मिल जाएगा। बाकी 3,000-4,000 में क्या क्या आपको चेंजेस देखने के लिए मिलने वाले तो हम बताने वाले इस वीडियो में। तो देखिए अगर विंडशील की अगर बात किया जाए दोनों का विंडशील और जो मतलब हैलोजन बल्ब और हैलोजन इंडिकेटर तो वो ये दोनों में सेम देखने के लिए मिल जाता है। अगर ग्राफिक्स का अगर बात किया जाए तो ग्राफिक्स यहाँ पे थोड़ा सा कार्बन में मिल गया है, ग्राफिक्स अपडेटेड कर दिया गया है दोनों में। तो ग्राफिक्स भी जो फ्रंट का जो लुक है दोनों का लगभग सेम है। बाकी जो शॉकर का अगर जो बात किया जाए वो दोनों में शॉकर अगर आपको टेली शॉकर देखने के लिए मिल जाता है। अगर टायर सेक्शन का बात किया जाए तो दोनों का टायर सेक्शन भी सेम मिलने वाला है आपको 90 मतलब जो भी बात किया जाए 90-117 का टायर सेक्शन। बाकी दोनों में सीएट का टायर देखने के लिए मिल जाता है। बाकी दोनों का जो डिस्क का जो साइज़ है वो आगे का 240 mm का डिस्क ब्रेक मिल जाता है। दोनों में आपको सिंगल चैनल ABS नहीं मिलने वाला है, दोनों में कॉम्बो ब्रेक देखने के लिए मिल जाता है। दोनों में आपको देख सकते हो शॉकर पाइप में रिफ्लेक्टर देखने के लिए मिल जाता है जो उसमें भी है। तो ये चीज़ था। बाकी अगर मीटर कंसोल का अगर बात किया जाए दोनों में तो आपको हम दिखाने वाले हैं कि मीटर कंसोल में दोनों में क्या क्या अपडेटेड है। तो पहले हम दिखाएंगे टंकी का। तो टंकी में थोड़ा सा ग्राफिक्स आपको थोड़ा सा अपडेटेड देखने के लिए मिल जाएगा जो दोनों में मतलब 125 जो अभी लेटेस्ट आया वो दोनों में मतलब देखने के लिए सेम मिल जाएगा। बाकी ये चीज़ था। मीटर कंसोल का अगर बात किया जाए तो मीटर कंसोल दोनों का लगभग सेम मीटर कंसोल मिलने वाला है। तो हम एक मीटर में आपको बता देते हैं क्या क्या अपडेटेड मिलने वाला है। तो यहाँ पर स्टार्टिंग करते हैं। यहाँ पर स्पीडोमीटर मिल जाता है, यहाँ पर न्यूट्रल मिल जाता है, यहाँ पर इंडिकेटर का देख सकते हैं ऊपर में देखने के लिए मिल जाता है। इंडिकेटर का ऊपर हम मिलने के बाद बाकी पासिंग का वहाँ पर देख सकते हैं। बाकी यहाँ पे एक मतलब मोड मतलब यहाँ पे मोड का जो भी है मतलब बाकी यहाँ पे ब्लूटूथ कनेक्टिविटी दोनों में सेम मिलने वाला है। ब्लूटूथ कनेक्टिविटी मैसेज अलर्ट कॉल अलर्ट सारा चीज़ सेम मिलने वाला। बाकी यहाँ किलोमीटर मिल जाता है, यहाँ पे आर्कम लाइट मिल जाता है, फ्यूल मिल जाता है। बाकी यहाँ पे मेन मतलब मोड का बटन मिल जाता है, यहाँ पे एक चेक लाइट भी मिल जाता है। मीटर का जो कम सर्कल का बात किया जाए तो दोनों सेम मिल जाएगा। बाकी अगर हैंडल बार का अगर बात किया जाए तो दोनों का हैंडल बार सेम हैंडल बार देखने के लिए मिल जाता है। हैंडल बार के बाद दोनों में जो यहाँ पे मेन मीडियम का मोड का बटन है, बाकी अपर डिपर का जो पासिंग का है जो इंडिकेटर का, बाकी हॉर्न का, बाकी कट ऑफ का, तो इधर में भी आपको दोनों में कार्बन मतलब कार्बन सिंगल सीट में दोनों में सेम देखने के लिए मिल जाएगा। टंकी कैपेसिटी का अगर दोनों का बात किया जाए तो दोनों का टंकी कैपेसिटी जो है वो 11.5 मतलब 11.5 के आसपास दोनों मतलब देखने के लिए कैपेसिटी मिल जाता है। बाकी यहाँ पर 3D लोगो मिल जाता है। बाकी यहाँ पर ग्राफिक्स दोनों में जो ग्राफिक्स है वो सेम ग्राफिक्स देखने के लिए मिल जाता है। बाकी E20 में भी सपोर्टेड मिलता है, उसमें भी आपको E20 सपोर्टेड मिल जाता है। बात किया जाए दोनों का इधर का ये मतलब सीट कॉल का मतलब नीचे का गार्ड का, तो दोनों का नीचे का दोनों का जो गार्ड है वो दोनों गार्ड सेम मिलने। बाकी इंजन कॉम्बिनेशन का बात किया जाए तो दोनों का ब्लैक इंजन मतलब कॉम्बिनेशन मिलने वाला है इंजन में, मतलब जो भी पावर का BHP का वो हम बताने वाले हैं इस वीडियो में। बाकी हम स्टार्टिंग करेंगे ग्राउंड क्लियरेंस का। तो आपको 160-165 के आसपास देखने के लिए मिल जाता है दोनों का ग्राउंड क्लियरेंस का। और सीट का अगर हाइट का बात किया जाए तो 710 या 720 के आसपास आपको मतलब सीट का हाइट दोनों का देखने के लिए मिल जाता है। तो ये ग्राउंड क्लियरेंस। बाकी अगर बात किया जाए स्प्लिट सीट और सिंगल सीट का तो स्प्लिट सीट देखने के लिए कुछ स्टेप से मिल जाएगा। बाकी पीछे का पकड़ने का चेंजेस ये और उसका वो स्टेप का देखने के लिए मिल जाता है। तो ये चीज़ था पीछे बस स्प्लिट सीट में और मतलब वो कार्बन में। तो यहाँ पर थोड़ा सा आपको कॉम्बिनेशन खाली देखने के लिए मिलेगा दो चीज़ अलग, तो बस स्प्लिट सीट और यहाँ पीछे पकड़ने वाला और उसका जो देखने वाला वो चीज़। बाकी के जो ग्राफिक्स है पीछे का और इसमें भी पांच इंजन मतलब पांच गियर इसमें भी सपोर्टेड है और इसमें भी पांच गियर आपको सपोर्टेड मिल जाता है। बाकी जो ग्राफिक्स और बाकी जो इसमें भी एसेसरीज मिलता है वो सेम चीज़ उसमें मिलने वाला है। बाकी टायर सेक्शन का अगर दोनों की बात किया जाए तो पीछे में दोनों आपको ड्रम ब्रेक देखने के लिए मिल जाएगा 130 mm का। बाकी अगर टायर सेक्शन का बात किया जाए तो आपको टायर सेक्शन भी बताने वाले हैं। तो हम आपको एक में दिखा देते हैं आपको मतलब 190-17 का टायर सेक्शन देखने के लिए मिल जाता है दोनों में सेम। दोनों में टायर सेक्शन जो है सेम टायर सेक्शन देखने के लिए मिल जाता है। बाकी मोनो शॉकर देखने के लिए मिल जाता है दोनों में, मोनो शॉकर पड़ता है एडजस्टिंग के साथ में, तो ये चीज़ देख सकते हैं। तो बाकी इधर का अगर बात किया जाए तो इसमें अभी दोनों में अपडेटेड क्या हो गया है, तो दोनों में अपडेटेड ये चीज़ हो गया मतलब ये जो मैट फिनिशिंग था ब्लैक वो आपको कॉम्बिनेशन देखने के लिए मिल जाएगा दोनों का। बाकी दोनों का जो भी मतलब चक्का का जो नीचे अभी जो कॉल है वो सेम कॉल देखने के लिए मिल जाता है। बाकी इंजन का जो कैपेसिटी अगर दोनों का KG का अगर बात किया जाए तो ये आपको 142 kg का मिल जाएगा, वो 143-144 के आसपास मतलब वेट मिलने वाला है। वेट मिलने के बाद अगर बात किया जाए पीछे का अगर मतलब जो भी है
पीछे का जो लुक है वो दोनों का लुक सेम लुक देखने के लिए मिल जाता है। ये दोनों में LED मतलब बल्ब देखने के लिए मिल जाता है, मतलब रिफ्लेक्टर इंडिकेटर जो भी दोनों में सेम देखने के लिए मिल जाता है। नंबर प्लेट का जो पंचिंग है उसमें भी और इसका भी दोनों का लगभग सेम भी देखने के लिए मिल जाएगा। इसमें आपको चेंजर देखने के लिए मिलेगा, बस मिलने वाला है और स्प्लिट सीट और कार्बन मतलब पीछे का पकड़ने वाला चेंजर। तो ये चीज़ था। बाकी अगर हम इंजन का इंजन कैपेसिटी की अगर बात करें तो इसमें भी दोनों में DTS इंजन देखने के लिए मिल जाता है। दोनों में DTS इंजन मिल जाता है, दोनों में डुअल स्पार्क प्लग मिल जाता है। स्पार्क प्लग के बाद अगर बात किया जाए BHP और पावर का, तो उसमें अगर पावर का बात किया जाए इंजन का, दोनों में कैपेसिटी के इंजन का जो पावर है तो आपको इसमें 11 मतलब पावर देखने के लिए मिलेगा। BHP का अगर बात किया जाए मतलब BHP का पावर इसका हो गया। बाकी अगर टॉर्क का बात किया जाए तो 10.8 और दोनों में मिला तो लगभग सेम ही मिलने वाला है। बाकी अगर माइलेज की अगर बात किया जाए तो माइलेज दोनों में मतलब 50 से 55 तक अप्रॉक्स आपको माइलेज भी तक निकाल देगा। तो ये दोनों का मतलब कंपैरिजन था। तो कंपैरिजन कैसे लगी, अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर को सब्सक्राइब करें चैनल को।